आईपीएल 2021 का खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने जीता था। आईपीएल के दूसरे हाफ के शुरू होते ही एक बड़ी खबर फैंस को सुनने को मिली थी। दरअसल विराट कोहली ने कहा कि वो इस सीजन के बाद आरसीबी की कप्तानी का पद छोड़ देंगे और इसके बाद लगातार ये भविष्यवाणी हो रही है कि कोहली के बाद आरसीबी का कप्तान कौन बनेगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ब्रेड हॉग ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो अगले सीजन इस टीम का कप्तान बन सकता है। देखिए इस वीडियो में क्या कहा उन्होंने। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी डेविड वार्नर को ले सकती है और इसके बाद कप्तान भी बना सकती है। ये बात सुनकर चौंकी नहीं, ये बात कही है पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेड हॉग ने। दरअसल आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन जल्द होने वाला है और ये ऑक्शन दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरुआती हफ्ते में हो सकते हैं। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि मेगा ऑक्शन में कौन सा खिलाड़ी रिटेन होता है और कौन सा खिलाड़ी नीलामी में कितने करोड़ का बिकता है। सबसे बड़ा सवाल डेविड वार्नर को लेकर है। दरअसल डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे, लेकिन पिछले आईपीएल यानी आईपीएल 2021 में खराब प्रदर्शन को लेकर उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। इसके बाद आखिरी मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं रहे थे। आईपीएल 2021 के आखिर में ही उन्होंने संकेत दिए थे कि वो अगले आईपीएल में रिटेन होने की बजाय मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। वहीं दूसरी ओर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ये साफ कर चुके हैं कि वो आरसीबी की कप्तानी छोड़ रहे हैं। ऐसे में आरसीबी को नए कप्तान की ज़रूरत होगी। इस बीच आरसीबी के नए कप्तान को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी हुई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज ब्रेड हॉग ने कहा है कि आरसीबी डेविड वार्नर को अपनी टीम का नया कप्तान बना सकती है। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आरसीबी उन्हें पिक करे, क्योंकि बेंगलोर का विकेट उन्हें सूट करेगा और टीम को नए कप्तान की भी ज़रूरत है। हॉग ने आगे कहा कि विराट इसी खिलाड़ी की कप्तानी में आगे खेलने वाले हैं। बता दें कि डेविड वार्नर ने एक बार फिर से अपनी खतरनाक फॉर्म हासिल कर ली है। वार्नर ने T20 वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 289 रन बनाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल थी। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। अब अगले सीजन होने वाले आईपीएल मेगा ऑक्शन में सभी टीमों की नज़रें वार्नर को अपनी टीम में शामिल करने पर होंगी। वहीं वार्नर किसी एक टीम के कप्तान भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि विराट कोहली पिछले 8 सालों से आरसीबी के कप्तान हैं, लेकिन वो अब तक अपनी फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में उन पर लगातार इस जिम्मेदारी को छोड़ने का दबाव बन रहा था और अब वही हुआ जिसका अंदेशा था। हालांकि कोहली की कप्तानी में ये टीम 2016 के फाइनल तक ज़रूर पहुंची थी, लेकिन वहां भी डेविड वार्नर की ही कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें मात दे दी थी। ऐसे में अब मेगा ऑक्शन में वार्नर पर सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि उनकी फॉर्म इस समय आसमान छू रही है। साथ ही साथ अब हॉग का वार्नर को लेकर ये अनुमान कितना सही होगा, ये तो ऑक्शन के बाद ही पता चलेगा।